क्वारंटीन सेंटर की लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत, भाजपा नेता दशरथ भगत ने उठाया उपचार व्यवस्था पर सवाल, मनपा आयुक्त से शिकायत। तरुण व्यक्ति या ठिकाणी मृत होते त्यांच्या परिवाराने काय करायचं, संसार पूर्ण उद्ध्वस्त होतो, तर ह्या कुठेतरी ह्याला न्याय मिळाला पाहिजे। मुंबई मनपा के सिडको क्वारंटीन सेंटर में डॉक्टरों की लापरवाही ने एक कोरोना मरीज की जान ले ली है। संतोष नामक इस मरीज को दो दिन पहले ही वासी में क्वारंटीन किया गया था। बीती शाम सांस लेने में तकलीफ के बाद उसने डॉक्टरों से खुद दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने को कहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हार कर उसने भाजपा नेता दशरथ भगत को फोन किया, जिनके दबाव के बाद उसे बीती शाम नेरुल के डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि 10 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हो गई। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने इस मौत के लिए क्वारंटीन सेंटर के डॉक्टरों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है और कहा कि यदि समय रहते मरीज की सेहत की सही मॉनिटरिंग की गई होती तो सीरियस नौबत नहीं आती और मरीज की जान भी बच जाती। वासी गावचे तरुण रहिवासी संतोष रोहिदास पाटील यांचं आज दिवा पाटील मध्ये ते मयत झालेले आहेत। याच्या अगोदर वासी गावचे दोन केसेस असे झालेले आहेत। नवी मुंबई महानगरपालिकेला जर संकोच वाटत असेल की त्यांच्याकडे यंत्रणा नाहीये, उपचार यंत्रणा नाहीये, हा संकोच न बाळगता त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितलं पाहिजे की आमच्याकडे काही यंत्रणा नाहीये। सदर व्यक्ती फार गंभीर आहे, त्याला खाजगी रुग्णालयामध्ये त्याला ऍडमिट करा, त्या जीवत वाचेल त्याचा। तरुण व्यक्ती या ठिकाणी मृत होते त्यांच्या परिवाराने काय करायचं, संसार पूर्ण उद्ध्वस्त होतो, तर ह्या कुठेतरी ह्याला न्याय मिळाला पाहिजे। गौरतलब है कि संतोष की तरह सैकड़ों कोरोना मरीज नवी मुंबई के कोविड केयर सेंटरों में भर्ती हैं। जरूरी है कि इनकी सेहत की नियमित मॉनिटरिंग हो और जिसे ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है उसे तत्काल दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन सूत्रों का दावा है कि मनपा के कोविड केयर और क्वारंटीन केंद्रों में देखभाल कम और कोरम पूर्ति ज्यादा हो रही है और इसीलिए सैकड़ों मरीज बेहाल हो रहे हैं। भाजपा नेता दशरथ भगत ने सवाल उठाया कि यदि एक क्वारंटीन सेंटर जान बचाने की बजाय जानलेवा बन रहे हैं तो फिर इन्हें करोड़ों रुपए खर्च कर चलाने की जरूरत भला क्या है। आज नागरिकांना क्वारंटाईनची भीती वाटायला लागली, शासकीय यंत्रणेची भीती वाटायला लागली, खाजगी हॉस्पिटलची भीती वाटायला लागली, करायचं का नागरिकांनी? या अशा दहशतीमुळे अशा भीतीमुळे माणसं जास्त मरायला लागली, काहीतरी याला उपाय योजना केल्या पाहिजे का नको? तर माझी सरकार दरबारी विनंती आहे, महापालिकेच्या आयुक्तांना विनंती आहे की या ठिकाणी आपण नागरिकांचे जीव वाचवले पाहिजे, मृत्यूदर कमी केला पाहिजे, ही आमची प्रमुख मागणी। फिलहाल देखना होगा की आयुक्त अभिजीत बांगर भाजपा नेता दशरथ भगत की इस मांग पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।